नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसा टॉपिक चूज़ की हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उन भाइयों के लिए जो कि अपनी बहनों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है दोस्तों, और 31 तारीख को यानी बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो कि भाइयों को राखी बांधना चाहती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अनबन की वजह से राखी नहीं बांध पाती हैं, और ससुराल में भी बहुत से लोग मायके नहीं जाने देते हैं। बहनों को अपने भाइयों की याद आती है, हर लड़कियों को अपने मायके का याद आता है, अपने भाइयों की याद आती है, परिवार का याद आता है। तो ऐसी बहनें हैं जो बहुत दुखी होती हैं, और आज का जो ये मैं वीडियो बनाई हूँ ऐसे ही भाइयों के लिए बनाई हूँ और मायके वालों के लिए बनाई हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहनें कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी रहती हैं, और भाइयों का कटाक्ष करना, भौजाइयों का कटाक्ष करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो कहने को तो सभी लोग एक दूसरे का मतलब कहीं ना कहीं नंदे भी भौजाई होती हैं और भौजाई भी कहीं की ननद होती हैं, तो सबको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना चाहिए और अपने अपने तरीके से नहीं समझना चाहिए कि भौजाइयों को उनके मायके वाले बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, तो वो अपने नंदों को ना माने। और नंदों के भाई जो हैं बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार दुलार अगर बहनों को देते हैं तो वो भाई भौजाइयों को भी इग्नोर ना करें। तो रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा है, पर्व ऐसा है कि हर बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत ही यादगार होता है। जिन भाइयों की बहनें नहीं होती हैं उन भाइयों से पूछिए, और जिन बहनों के भाई नहीं होते उन बहनों से पूछिए कि उनके दिल पे क्या बीतती है। और दोस्तों, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो भाइयों को याद करके रोती हैं। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वो नहीं मना पाती हैं, मतलब शेयर नहीं कर पाती हैं, और बहुत ही दुखी रहती हैं। और राखी का ये जो एक गाना है बहुत ही हृदय स्पर्शी है, और उस गाने को मतलब जब चलता है ना तो बहुत 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 दुख होता है। चंदा रे जाके मेरे भैया से कहना, बहना याद करें। इस गाने को सुनिए, आपके आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे, पक्का आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा ये भाई बहनों का ये ऐसा गाना है कि जैसे बहुत से ससुराल वाले जाने नहीं देते हैं, या बहुत सी बहनें जा नहीं पाती हैं, नहीं कोई ले जाने वाला रहता है, या भाइयों से अनबन हो जाती है तो नहीं जा पाती हैं। बचपन में जो झगड़े लड़ाई भाई बहनों में होते थे वो तो सभी लोग इग्नोर करते हैं, तो जब शादी हो जाती है भाइयों की तब यहाँ से रिश्ता थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। और जो भाई बहनों के हंसी मजाक को नज़रअंदाज कर देते थे, वही भाई शादी के बाद उसको एक तूल देकर और बहनों से झगड़ा लड़ाई या अनबन कर लेते हैं, कहा सुनी कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहन और भाइयों का रिश्ता भी कहीं ना कहीं खट्टा हो जाता है। तो मैं भाइयों से कहूँगी कि ऐसा ना करें। बहनों का मायका होता है, बेटियों का मायका होता है, वो भी अपने मायके जाना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वो मायके नहीं जा पाती हैं। तो ऐसा ना करें, और कहीं ना कहीं बहनों का हक ना छीनें, आप लोग बहनों का हक ना छीनें। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।